ये देखो भाई, ये चेक करो, ये देख सकते हो आप लोग किस तरीके से गाड़ियां आ रही है, अपनी तीनों गाड़ियां। ये देखो शिविर भाई, वो देखो अपनी गाड़ी और सहल भाई। ये देखो गाइस, यहाँ से चेक करो, मतलब इसमें रेस्ट देना ही देना होता है, क्योंकि भाई तो डर के मारे सो गया। यार भाई को डर लगा है, इस देखो कमल कैसे लगाया उसने। हाँ। तेरा भाई आया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। आप सबका भाई सिटी एक्सप्रेस। तो अभी आप देख रहे हो मुझे KMR स्पार्क के चैनल से। तो सबसे पहले आप सबको वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो जो करते हैं हम अपना व्लॉग स्टार्ट। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हमने अपने लेह लद्दाख का सफ़र स्टार्ट किया था। रात को हम कंटिन्यू चल रहे थे, अभी हम हैं खंगरियाल से पीछे। रात के 1 बजे हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी साइड कर दी, तो फिर सो गए, क्योंकि हमने सोचा रात के टाइम कोई भरोसा नहीं होता है और नींद भी आ रही थी। तो अगर मतलब हम डायरेक्ट चल जाते सोनापरक से लेह तक तो हम शाम तक पहुंच जाते रात को। तो हम थोड़ा वहीं पे लेट निकल गए, फिर अच्छे से यहाँ पे रेस्ट करके सो गए, क्योंकि आपको पता ही होगा ये रोड बहुत ही डेंजरस है, बहुत हिली रोड है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि मतलब ब्रेक डाउन होने का खतरा है, प्रेशर डाउन होने का खतरा है, टायर ब्लास्ट होने का खतरा है, मतलब व्हील गर्म होने का खतरा है, बहुत सारी चीज़ों का, और मतलब गाड़ी गर्म होने का खतरा है। अगर हम ऐसे चढ़ाई में चढ़ रहे थे उसमें भी ध्यान देना पड़ता है कि गाड़ी गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसे उतराई में जा रहे हैं तो उसमें भी ख्याल रखना पड़ता है कि नहीं, ज़्यादा व्हील भी गर्म नहीं होनी चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। इसलिए मतलब बड़े प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से हम चल रहे थे। अभी बस मॉर्निंग हो गया, चाय वगैरह अपनी हो गई, अब बस निकलने वाले हम यहाँ से लेह के लिए। कम से कम यहाँ से अपना सफ़र रह गया 160 किलोमीटर, जो फ्यांग एफसी है वहाँ पे शायद अनलोडिंग पॉइंट है। तो चले, हमारे वीडियो के साथ बने रहे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो करते हैं हम आज दिन की शुरुआत यहाँ से। तो कर लिया हमने अपने अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट सुबह सुबह। तो ये गाड़ी आराम से स्टार्ट हो गई, वो ना बीच वाली गाड़ी बहुत मुश्किल से स्टार्ट हो गई, क्योंकि ना यहाँ पे तेल भी लगा था और पानी भी जमा हुआ था, मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट हो गई। इस गाड़ी ने इतना धुआं उठाया, पूरा रोड यहाँ पे बंद हुआ है। अभी माजिद भाई की गाड़ी में भी शायद तेल लगा है, वो गाड़ी बंद हो गई स्टार्ट करने के बाद, 5 मिनट के बाद वो गाड़ी बंद हुई है। तो अब यार उसका भी तेल जमा है अब वहाँ पे, यार अब ब्लेड करेंगे यार, देखते हैं क्या सीन है। ये देखो, ये भाई भी आए थे, राजौरी के रहने वाले, तो ये भी आए थे। क्या हाल है भाई, इस बाइक का हाथ टूटा है शायद बेचारे का, ये भी गाड़ी चला रहा है। क्या लोड क्या है, गैस? चलो यार। तो ये माजिद भाई की गाड़ी और साहिल भाई की गाड़ी पीछे, करो स्टार्ट हो भाई। ओके, तो उमर भाई चाय पी रहा है, साहिल भाई की हालात आज खराब हो गए, देखो दाढ़ी मोच बढ़ गई है भाई, क्या हाल है, क्या बात है, दाढ़ी मोज क्यों नहीं काट रहे हो यार? ये देखो भाई, ये देखो, ये चेक करो, ये चीज चेक कर सकते हो आप लोग, भाई साहब ये चीज आप लोग चेक कर सकते हो। ओ एक और मर्तबा दे दो एक्सलेटर भाई, एक बार एक्सलेटर दे दो यार, इनको दिखाएंगे यार हम लोग कहाँ पे है अभी, कितनी सर्दी है। ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये है लद्दाख का हाल, ये देखो गाड़ी का हाल, माजिद भाई दुआ में से निकल, ये भाई साहब, ये देख सकते हो आप लोग क्या हाल है यहाँ पे गाड़ियों का, बहुत बुरा हाल है, भाई का हाथ देखो, ये देखो, ये भाई साहब को सर्दी लगी थी, इसने बोला था साइलेंसर के सामने हाथ रखता हूँ, ये देखो हाथ, ये चीज आप लोग देख सकते हो, वो देखो पहले धूप कितने के लिए, मगर फिर भी ये देख सकते हो, ये देखो गाड़ी स्टार्ट थी अचानक से बंद हो गया, अपना पानी, ये देखो हाथ लगाऊं जल जाएगा फिर क्या। ये देखो उमर भाई अभी गर्म पानी डाल रहा है, सच्ची बात, उस साइड में भी पानी डाला है, फिल्टर में पानी डाला है, पंप पे भी पानी डाला है, तो ये देखो इस साइड में फिल्टर में भी पानी डाला, वो आप लोग देख सकते हो फिल्टर में पानी डाला है,
क्या करे यार, अचानक से बांधो की गाड़ी स्टार्ट थी, अचानक से बांधो क्योंकि तेल जमा है इसमें। और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ये हमने कल टैंकी फुल की थी, ये मैंने कल फुल की थी, ये पानी वाली टैंकी है। और ये देखो भाई, देख सकते हो एक कतरा भी नहीं निकलता है पानी का, क्योंकि इसमें भी पानी जमा जम गया है, ये देख सकते हो। तो ये देखो हाल, इस टंकी में हमने पानी भरा था, सोचा था आगे काम आएगा, मुंह धोएंगे, लेकिन वो काम इधर ही नहीं, इधर भरा बना। और माजिद भाई ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की, दिक्कत काफ़ी हो रही है, मतलब बहुत बड़ी हैक्टिक सिचुएशन बन गई है इधर। लेकिन क्या करे, ड्राइवरों का काम ही है इन सब चीज़ों से लौटना, फिर ड्राइवर किसके जब हैक्टिक सिचुएशन में काम को अंजाम ना दे। और मतलब हाल देखो, बहुत बुरा है इधर, लेकिन रिस्क लेंगे तभी तो मजा आएगा, है ना इशफाक भाई? रिस्क में मजा है, रिस्क में मजा है, रिस्क में मजा है। और सेठी भाई, इसे लिखते हैं ना हम रिस्की जॉब, फिर क्या रिस्की जॉब? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एटवे रोड पे चलेंगे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? ऑल ओवर अभी तक कर रात से जैसी सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन में अभी हम फंसे हैं ना, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, खासकर गाड़ियों के बारे में। अगर हम ऐसी गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे, मतलब पहले बिना देखे गाड़ी निकालेंगे, पता नहीं कितना नुकसान होगा। हाँ, तेल जम गया होगा, सही है, बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो अभी आप ऐसा समझो, अभी उतनी ठंड भी नहीं है, अभी उतना मेहनत भी नहीं, अभी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्ट है, अब बस कुछ टाइम के बाद ये रोड भी बंद होने वाला है, क्योंकि मतलब ये लास्ट वाले लम्हात में हम चल रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, ये जो लेह सारी श्रीनगर लेह हाईवे है, 6 महीने के लिए बंद रहता है, 6 महीने स्टार्ट जाता है, जो की मिनिमम ग्रास मोस्ट माइनस जो है मोस्ट पॉइंट माने जाते हैं, वर्ल्ड सेकंड इनहैबिटेड रीजन, कोल्डेस्ट सेकंड जी जी, त्रास है वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड रीजन। तो उसी इलाके में अभी हम हैं, तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। इसलिए मतलब गाड़ियां स्टार्ट हुई, लेकिन तरीके से करनी पड़ी, गाड़ियों में कोई दिक्कत ना आए और कुछ ना आए। तो बाकी बाकी क्या, बाकी यार लगने दो ना, हम छोड़ देते हैं। नहीं 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 बोलो, लगने दो। नहीं यार, यहाँ एक्सपीरियंस नहीं चलती है, यहाँ ऐसे टेम्पो वाले ड्राइवर नहीं चलते हैं, यहाँ बिल्कुल प्रोफेशनल ड्राइवर चलता है, बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि आप ऐसा नहीं सोचना, मतलब मैं किसी को डिस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, देखो अगर देखो, मतलब आजकल तो ड्राइवर इतने सारे लोग हैं ना, मतलब नीचे उनको स्पेयर पार्ट वगैरह का तो पता नहीं, नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाएंगे, तो जिसको ये पता नहीं होगा गाड़ी का ब्लेड कहाँ से करना है, गाड़ी का ब्लेड कहाँ से चेक करना है, पानी कहाँ से चेक करना है, मतलब वो क्या करे, वो अगर ऐसी जगह पे फंस जाए, वो सीधा गाड़ी स्टार्ट मार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, चलो मार मार के गाड़ी का नुकसान अपने आप का भी बुरा। इसीलिए क्रेडिट साहब माजिद भाई को देते हैं, जो कि मैंने आपको अपने वीडियो में मैं अभी भी बोला कि नहीं, हमारा सीनियर है, हमारा मतलब इसलिए इसको साथ लाया। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं पर्सनल ड्राइवर हूँ, मैं भी तो ऐसा ही ड्राइवर हूँ, जैसे जिन लोगों को मैं बोल रहा हूँ मैं भी वैसा हूँ, मैं ज्यादा पुराना नहीं हूँ, बट फिर भी आप पता है, पता है माइंड से जितना मतलब नॉलेज है वो हम यूज करते हैं, क्योंकि 4-5 साल खाना बनाया तब जाके ड्राइवर बन गया। इसलिए खलासी का काम मस्ट होता है, उससे बंदा सीखता है। अगर गाड़ी चलाने हम खाली जाए तो मतलब गाड़ी सीख रहे हैं, वो तो 2 महीने में भी चला सकता है, वगैरह जो भी है, फोर लाइन पे तो बच्चा भी चला सकता है। जो नीचे का काम होता है ना वो पता सही है, मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, बट इतना है तो पता है, पता है, पता है, गाड़ी के लिए पता है, दूसरों के लिए नहीं है, खुद के लिए जितना है काफी है। तो बाकी सभी अपने भाई बैठे, और मेरे को लग रहा है मैं यहाँ पे बैठा, धूप तो है, पानी देख पे हमने जब हम आते थे ना इधर इतना पानी होता था, यहाँ पे हम अक्सर रुकते थे ना, इसमें बहुत पानी, आज देखो पानी गायब, उधर बर्फ लगी है, बर्फ लगी है, बर्फ भी लगी है, पहले आग जलाना पड़ा यार, फिर यार मौत है। और तो अभी चल रहे हैं बस फुतीला टॉप, अब लग गया स्टार्ट चढ़ना, तो मैं ना चढ़ गया हूँ टूर पे रील्स बनाने के लिए और वीडियो शूट करने के लिए, माजिद भाई की गाड़ी के टूर पे चढ़ गया हूँ। और वो देखो अपनी गाड़ी फ्रंट पे, देखो साहिल भाई की गाड़ी वहाँ से आ रही है, पीछे पीछे सबसे लास्ट में साहिल भाई,
आगे है शिविर भाई की गाड़ी और मेरी गाड़ी फ्रंट में। अब मैं माजिद भाई को बोल रहा हूँ आप फ्रंट में चलो, मैं पीछे उनको वीडियो उठाता हूँ और रील बनाता हूँ। और व्यू ना चेक कर सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखो भाई साहब चारों ओर पहाड़ी पहाड़। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से गाड़ियाँ आ रही है, अपनी तीनों गाड़ियाँ, ये देखो शिविर भाई, वो देखो अपनी गाड़ी और साहिल भाई, ये देखिए वाह क्या ही नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। ये देखो अपनी लाइन लगी है पूरे के पूरे रोड पे, खाली अपनी गाड़ियाँ चल रही है, बाकी कोई गाड़ी नहीं, ये देख सकते हो पे हल्का सा जाम हो गया है, लाइन लग गई है हल्की सी, क्योंकि आगे ना रॉन्ग साइड से गाड़ी आ गई थी पहुँच गई, उसी वजह से हल्का सा यहाँ पे जाम लग गया है। यहाँ पे रुके है क्या करने के लिए, पानी लेने के लिए। पानी कितना ठंडा है, गर्म है ठंडा है हर्षन भाई, ये देखो यार आप लोगों को पता चलेगा ये ठंडा है गर्म है यहाँ पे। अरे भाई साहब ये क्या है वो हर्षन भाई, ये यहाँ आप लोग खुद अब अंदाजा लगा सकते हो पानी कितना गर्म होगा यहाँ पे और कितना ठंडा होगा, ये ना यहाँ पे आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो। और ये देखो अपने माजिद भाई की गाड़ी, वो है अपनी गाड़ी शबीर भाई की और साहिल भाई की लास्ट में। तो अभी चल रहे हैं माजिद भाई की गाड़ी और मेरी गाड़ी बीच में, सबसे लास्ट साहिल भाई की गाड़ी, आप में ना शबीर भाई की गाड़ी पे चढ़ा हूँ और चल रहे हैं। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे और वहाँ से हम आ गए, ये देखो कुदेला टायर पे बस पहुँचने वाले हैं, रास्ता देखो कैसा है भाई और व्यू चेक करो कितनी खूबसूरत है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है आज, और वो देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो पहुंच गए हम कहाँ पे, ये आप लोग चेक कर सकते हो खुद कहाँ पे पहुंच गए, ये देखो फुतीला टॉप, ये देखो 13,478 फुट हाइट है यहाँ पे इस पहाड़ की, और यही पहाड़ हम चढ़ के आए रुक गए यहाँ पे। हमेशा यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो रुक जाते हैं यहाँ पे, तब तक गाड़ियाँ ठंड हो जाती है फिर उतरते हैं, फिर तकरीबन ये आधा पहाड़ उतर के फिर रुक जाते हैं व्हील को ठंड करने के लिए, चाय पीते हैं। तो अब ना आज खाना खाएंगे वहाँ पे, पिछले चक्कर जब हम आए थे तो उस टाइम हमने यहाँ पे सुबह की चाय पी थी, उस टाइम मनोज भाई भी साथ था, तो आज हम खाना खाएंगे जब नीचे उतरेंगे। और देख सकते हो व्यू चेक कर सकते हो, ये देखो निकल गए हम यहाँ से चाय पी के पुतीला टॉप से, तो अब हमें यहाँ ना ये चढ़ाई उतरना है पूरा पुतीला टॉप करना है, तकरीबन 5-10 मोड़ है, वो देखो वहाँ से गाड़ी आ रही है, वो ही जाना है हमको भी, वो देख सकते हो। और यहाँ से साहिल भाई फ्रंट पे चल रहा है, लीड कर रहा है कार्रवाई की, आज भाई मेरे पीछे पीछे उससे पीछे शिविर भाई की गाड़ी, वो गाड़ी तो ओ भाई साहब ये क्या देखो कहाँ से आ गए हम ऊपर टॉप से, अभी ना पूरा का पूरा नीचे जाना है। माजिद भाई निकल गया आगे क्योंकि हम आराम से चल उतर रहे थे, तो माजिद भाई को इतना बर्दाश्त नहीं है, साहिल भाई की गाड़ी फ्रंट पे, उसके पैर देखो 12 टूरी आ गई, कितने खतरनाक मोड़ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ है और खास करके उतराई है ना बहुत ही ज्यादा, देखो 3 नंबर गियर है गाड़ी में, आराम से उतरना पड़ता है ताकि व्हील ज्यादा ना गर्म हो जाए। तेल की प्रॉब्लम है शायद, अभी टाइम आ गया
दिन के दो अब स्टार्ट हो गया लामायुरु जो कि मोस्ट डेंजरस पॉइंट माना जाता है, जोजिला पास के बगैर यही पॉइंट डेंजरस माना जाता है। अभी देखो बिल्कुल दो नंबर गियर गाड़ी में लगा के बहुत ही प्यार से गाड़ी मोड़नी पड़ती है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। बिल्कुल लंबा टर्न लेना पड़ता है क्योंकि डाउन बहुत ज्यादा है। आराम से बी केयरफुल ड्राइव। ये देखो गाइस यहाँ से चेक करो, मतलब इसमें रेस्ट देना ही देना होता है क्योंकि गाड़ी को अगर 5-10 किलोमीटर कंटिन्यू डाउन जाएगा तो फिर थोड़ा रेस्ट लेना है। हाँ रेस्ट करके अगर यहाँ पे रेस्ट करेंगे ना हाँ तो टायर बैठने का ज्यादा खतरा है। हाँ ज्यादा खतरा है, हम नीचे जाके रेस्ट करेंगे तो फिर आराम से वीर बनने हो जाएंगे, तब तक खाना भी खाएंगे। बिल्कुल इसमें आराम से चलना पड़ता है। अब ऐसा समझो हम कंटिन्यू नहीं चल पाते डाउन में क्योंकि ज्यादा चक्के गर्म हो जाएंगे तो ब्रेक डाउन होने का खतरा, टायर पंचर होने का खतरा, इसलिए रेस्ट करके चलना पड़ता है आराम से। थक थक चुके उन पाको तो इधर भी लेकिन सब बिल्कुल वार वार आराम शांत से नंबर ज्यादा जल्दी ना। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। आगे मूनलैंड भी है ना। हाँ मूनलैंड बहुत ही प्यारा सीन है, वहां पे दिखाएंगे आप सबको कितना प्यारा सीन है। तो अभी ना टाइम आ चुका है दिन के 2:30 का टाइम आया। ये देखो हम कहाँ पे हैं, मुन्नार के पास लामायुरु हमने क्रैश किया है अभी अभी। अब गाड़ी यहाँ पे साइड की है ताकि तब तक व्हील भी ठंडे हो जाएंगे और खाना भी हमारा हो जाएगा। देखो ठंड ना बहुत ज़्यादा, मैंने हाथ धोए यार, क्या करे यार इतनी सर्दी हो। देखो भाई हो गया हमारा खाना, वो निकल गए हम यहाँ से। ये आप लोग देख सकते हो मूनलैंड, ये देखो ओ नज़ारा देखो कितना खूबसूरत। और यहाँ पे बोर्ड पे भी आप लोग देख सकते हो एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मूनलैंड। देख सकते हो आप लोग चढ़ाई कितनी ज़्यादा खतरनाक है। 2 नंबर गियर में उतर रहा हूँ मैं अभी और ये देखो बहुत ज़्यादा खतरनाक चढ़ाई है। मेरे अंदाज से इस रोड में ना कश्मीर से लेकर लद्दाख तक सबसे खतरनाक चढ़ाई जो है वो है यही लामायुरु। और लामायुरु में जब लास्ट में पहुँच जाते हैं ना उतरने में तो यहाँ पर ये मोड़ 2-3 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, 2 नंबर गियर में उतरना पड़ता है तब भी गाड़ी यार मुश्किल हो जाती है रोकनी, बहुत ज़्यादा मुश्किल। वहाँ से आए हम ऊपर टॉप से, वहीं से हम आए, वो आप लोग गाड़ी देख सकते हो वहाँ पे ऊपर टॉप पे अगर नज़र आ रही है। या अल्लाह रहम करना, बहुत ही खतरनाक चढ़ाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक। ये देखो किस स्पीड से हम उतर रहे हैं अभी, 10 की स्पीड से, 10 भी बराबर नहीं है यार। देखो कंटिन्यू एग्जॉस्ट ब्रेक, देखो यहाँ से मोड़ देखो कितना खतरनाक मोड़ है और वो भी उतराई में। अभी हम इसी उतराई में जा रहे हैं डाउन, बिल्कुल प्यार से जा रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो मतलब हाँ हर किसी जगह है गो स्लो, मतलब हर जगह। ये देखो यहाँ पे हॉर्न का ये लगा है, ये बोर्ड नजर आ रहा है हॉर्न लिखा है यहाँ पे, मतलब पूरे टिप्स देते हैं कैसे क्या मतलब चलना है। ब्लाइंड करो ड्राइव स्लो बिलो हॉर्न, मतलब बिल्कुल पूरा जो भी है मतलब इसके साइनस वो दिए गए हैं रोड के। तो मुझे लग रहा है अब बस ये लास्ट है, फिर उसके बाद उसके बाद इतना मतलब डेंजरस नहीं है, डेंजरस पॉइंट नहीं है जितना ये माना जाता है लामायुरु मोस्ट डेंजरस मतलब पॉइंट माना जाता है इस रोड में। अभी देखो आप 2 नंबर गियर बिल्कुल गाड़ी में लगा दिए और भाई तो डर के मारे सो गया यार, भाई को डर लगा है, देखो कमर कैसे लगाया सर के ऊपर, बोला भाई जो तो कर रहा है वही कर रहा है, सोने जा रहा हूँ। ये देखो मतलब कितना टेढ़ा मोड़ है ये नजर आ रहा है, यूटर्न कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल,
पहले दबा लिया पूरा लेफ्ट साइड थोड़ा, फिर काटना पूरी गाड़ी क्योंकि आगे से इसका जगह बहुत कम है, इधर ही काट दे पूरी, क्योंकि अगर गाड़ी आगे जाएगी फिर ये वापस नहीं चढ़ती है। अगर बंदा सोचेगा मैं पूरा गाड़ी पीछे छोड़ दूंगा फिर दूसरा काट मार दूंगा, क्योंकि इन जगहों पे बहुत मुश्किल होता है ऐसा टर्न करना, क्योंकि जब तक हम कोशिश करते हैं गाड़ी को बैक लेने की तब तक गाड़ी आगे चली जाती है, क्योंकि गाड़ी में बहुत वजन होता है आपको पता है इसलिए, और मतलब ब्रेक पे कोई भरोसा नहीं होता है उन जगहों पे, और क्लच प्लेट पे भी बहुत ज्यादा जोर पड़ जाता है इन जगहों पे। ये देखो ये वाला लास्ट, कहां से हम उतर के आए ऊपर देख रहे हो, ये लास्ट कर्व है, मुझे लास्ट बैंड है। कोई नहीं अब काटो काट दो पूरा काटो काटो काटो, गाड़ी आ गई, चलो 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 निकलेगा, बस हो गया। जॉइन हिल्स जॉइन हर्ट्स, इसका मतलब क्या, समझ नहीं आ रहा यार। हाँ अनपढ़ बंदे है, आगे पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं, रोड नजर नहीं आ रहा है, पहाड़ी के सामने भी पहाड़, पूरा पहाड़ी पहाड़ है लद्दाख में, और क्या है, बट सीन तो काफी अच्छा है ना, काफी मस्त है, मतलब दिल ऐसा करता है कि नहीं पूरा ही शूट कर लो, बट क्या करें फिर कैसे एडिट होगा इतना लंबा वीडियो, फोन की मेमोरी सब बंद हो जाएगी। अब मेन शॉट सब फिर भी ले लेते हैं कोशिश करते हैं, क्योंकि आप घर बैठे अच्छा व्लॉग एंजॉय कर पाओगे, अब बस प्यार दे रहो ऐसे व्लॉग्स पे, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाती है आप खुद भी देख सकते हो। तो अभी टाइम आ चुका है 7:07 बज चुके हैं, अभी ना हम पहुंच गए हैं लेह, देख सकते हो वहां से जो लाइटें दिख रही है ना वो पूरा लेह सिटी दिख रही है यहाँ से, तो देखते हैं नो एंट्री कितने बजे खुलती है। तो सेठी भाई अभी गाड़ी चला रहा है, यावर भाई पता नहीं यावर भाई ने घर से फैरन बाहर नहीं निकाला है, क्या बात है आज यावर भाई थोड़े से परेशान लग रहे थे जम्मू से ही, तो वो तो हलाई जाने और यावर भाई जाने, क्योंकि मेरे को ये बोल रहा है मैं ठीक हूँ, और भाई अभी गाड़ी चला रहा है, भाई ने बोला मैं गाड़ी चलाऊँगा खुद, आप थोड़े से एडिटिंग करो वीडियो की, क्योंकि हमने जो वीडियो घर से बनाए ना अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, यहाँ से नेटवर्क भी नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो बस चल रहे है। अब पता नहीं नो एंट्री कितने बजे खुलती है, वो तो आगे जाके क्या पता चलेगा। फाइनली हम पहुंच गए लद्दाख, और ये देख सकते हो यहाँ से शुरू है लद्दाख सिटी, नो एंट्री ने आज 7 बजे खुली है, तो अभी हम लद्दाख सिटी में एंटर हो गए। ये देखो KVR एयरपोर्ट, लिया एयरपोर्ट इस साइड में, और देख सकते हो लद्दाख का नज़ारा, सारा दिन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अभी बस हम 2 मिनट ही रुके थे तो उसी के साथ साथ फिर नो एंट्री खुल गए, और भाई अभी गाड़ी चला रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया हम पहुँच गए सेफली, अभी कहाँ पे टायर बैठ गया, सैल का टायर बैठ गया, अंदर वाला बैठ, तो सेफली हम पहुँच गए कहाँ पे अपने लोकेशन पे जहाँ पे हमें खाली करना है। ये देखो ये एफ सी आई, वो इधर है साहिल भाई, इधर है साहिल भाई, इधर है, किसको फ़ोन कर रहे हो,